वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू विद्यार्थी मित्रों, केम छो? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे घर पे। घर में बैठे बैठे बोल तो नहीं हो रहे हो ना? चलो आज हम लोग यूनिट 1 अगेंस्ट द ऑड्स उसके बारे में पढ़ेंगे। Have you ever heard about the mountain man, Dashrath Manji? मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा, एक फिल्म भी आई थी इसके ऊपर जिसमें दशरथ मांझी की रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था। यह हमारा पाठ का पहला प्रीटेस्ट है, थोड़ा पूर्वाभास में देना चाहूँगी आप लोगों को। तो माउंटेन मैन के बारे में अगर आप लोगों को कुछ खबर नहीं है तो आज मैं बताती हूँ। तो दशरथ मांझी रैन अवे फ्रॉम हिज होम एट ए यंग एज एंड वर्क एट धनबाद कोल माइंस। जब माउंटेन मैन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दशरथ मांझी जिसकी नाम थी, तो वो उनकी एकदम बहुत छोटे थे तो वो उनकी घर से भागे हुए थे। भाग के वो धनबाद का एक कोल माइंस इसलिए जो कोयले का कोलसा जिसको बोलते हैं गुजराती में, तो कोलसों की खान में काम करते थे। He returned to his village, took up work and married Falguni Devi. काम करके कुछ पैसा कमाने के बाद वो उनके घर वापस आए हुए थे। अने बाद में क्या किया था उन्होंने कि उन्होंने काम लेके फिर उन फाल्गुनी देवी नाम की एक लड़की के साथ उनकी शादी हुई थी। While crossing Gehlore Hills to bring him lunch, Falguni slipped and seriously injured himself. जब भी फाल्गुनी देवी गेहलोर हिल्स जो गेहलोर पर्वत माना थे होती थी, तो वो जब भी उनके दशरथ मांझी के लिए खाना लेके आ रही थी तभी उनकी पग वहाँ से खिसक गया था और वो गिर पड़ी थी, उनकी वाइफ वहाँ गिर पड़ी थी। फाल्गुनी स्लिप्ड एंड सीरियसली इंजर्ड हिमसेल्फ। तो फाल्गुनी देवी जो है वो गिर पड़ी थी, यानी उसको बहुत जोरों की आघात लगी हुई थी। They could not reach her to the nearby hospital because there was no straight access to the town and which eventually led to her death. अने दुख की बात यह है कि उस जमाने में अने उस गांव में कोई हॉस्पिटल अने जल्दी तात्कालिक सेवा जिसको हम बोलते हैं वो नहीं थी। इसके लिए उनको देखते देखते मौत का आलिंगन करना पड़ा था उनकी वाइफ को। तो धीमे धीमे क्या हुआ, मांझी वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड एंड दैट वेरी नाइट डिसाइडेड टू कर्व अ पाथ थ्रू द गेहलोर हिल्स सो दैट हिज विलेज कुड हैव इजियर एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज। अने उसी रात मांझी अपने आप को निर्णय ले लिया था कि मैं कैसे भी करके इस पहाड़ को जाते खुद के अने एक हॉस्पिटल तक मैं एक रास्ता बनाऊंगा जो कि दूसरे किसी को इस तरह की मजबूर होके प्राण ना देना पड़े। He carved a path 360 feet long, 25 feet deep in places and 30 feet wide to form a road through the rocks in Gehlor Hill. अब ये गेहलर हिल के, गेहलर जो पर्वत था उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि 360 फीट लॉन्ग अने 25 फीट डीप गहराई, 25 फीट गहराई अने 30 फीट वाइड अने 30 फीट जो उसका वाइडनेस था, ऐसा एक रोड उन्होंने पहाड़ को खुद के बनाया। एंड गेहलोर हिल ही क्वेटेड हिमसेल्फ, क्वेटेड इसलिए अपने आप को उन्होंने बोला था, व्हेन आई स्टार्ट हैमरिंग द हिल पीपल कॉल्ड मी ल्यूनेटिक बट दैट स्टिल माय डिटर्मिनेशन। मैं जब भी हथौड़ा मारना शुरू किया था पहाड़ के ऊपर लोग मुझे बोलते थे मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे वो लोगों की बात सुन के मैं कभी भी निराश नहीं हुआ। अने वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इरादा को पक्का कर दिया, माई डिटर्मिनेशन कम हाई, मतलब मैं उतनी डिटर्मिन हो गया, मैं मेरे काम करने के लिए मैं खुद को खुद ध्यान देने लगा। ही कंप्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर्स, मतलब 1962 1983
उन्होंने 22 साल में एक काम पूरा किया जो कि 1960 से लेके 1983 के अंदर खत्म हुआ। दिस पाथ रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द अत्री एंड वजीरगंज सेक्टर्स ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 55 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। अभी ये रास्ता जो है वो थोड़ी बहुत जो दूरी किसमें से अत्री एंड वजीरगंज सेक्टर में से इतनी दूरी को उन्होंने कम कर दिया, जितना 55 किलोमीटर की दूरी होती थी उसको उन्होंने पहाड़ खोद के रास्ता बनाया, सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी तक ले आए। मांझी सेड थ्रू मोस्ट विलेजर्स टंटेड मी एट फर्स्ट, देयर वेयर क्वाइट ए फ्यू हु लेंट मी सपोर्ट लेटर बाय गिविंग मी फूड एंड हेल्पिंग मी बाय माय टूल्स। मेरे ये काम को देख के मेरे जो ग्रामवासियों थे, मेरे जो साथ में रहते हुए लोग मुझे टंग मारते थे, मुझे चिढ़ाते थे, लेकिन धीमे धीमे वो लोग भी, अब उसमें से कोई लोग मुझे खाना भी लाके देते थे और उसमें से कोई कोई लोग मुझे वो सामग्री भी लाके देते थे, साधन सामग्री लाके देते थे जो पहाड़ को चीर के मैं रास्ता बनाता था। फॉर हिज अचीवमेंट मांझी बिकेम पॉपुलरली नोन एज द माउंटेन मैन। अरे ये जो योगदान बदल लोगों उसको दशरथ मांझी को माउंटेन मैन तरीके पहचानने लगे। हिज नेम वॉज ऑल्सो प्रपोज बाई द बिहार गवर्नमेंट फॉर द पद्मश्री अवार्ड इन 2006। अभी दशरथ मांझी का नाम बिहार गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को सुझाव किया था कि उनको पद्मश्री अवार्ड दिया, जो कि मोस्ट प्रीशियस अवार्ड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत की भारत सरकार की दिया हुआ सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा मतलब पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड उनको दिया गया था। अने वेन ए मूवी ऑन हिज लाइफ वॉज अनाउंस मांझी वॉज ऑन हिज डेथ बेड। जब भी एक पिक्चर उनके नाम पे बनाने के लिए अनाउंस किया गया था, जाहिरनामा करवा करने के लिए आया हुआ था, उसी टाइम मांझी दशरथ मांझी उनकी डेथ बेड पे लेटे हुए थे। He put his thumb impression on an agreement and gave away। उन्होंने ये फिल्म करने के लिए उन्होंने उनको निष्पत्ति दे दिया था एंड एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक ए फिल्म ऑन हिज लाइफ। आने उन्होंने ये अधिकार उनको दिया गया था पिक्चर बनाने वाले को कि वो उनके जिंदगी के ऊपर, उनकी जीवन के ऊपर एक पिक्चर बना भी सके। Exclusive rights to make a film on his life, the mountain man was given a state funeral by the government of Bihar। जबी उनकी डेथ हुई, जबी दशरथ मांझी की मृत्यु हुई, तभी बिहार गवर्नमेंट ने उनको सरकारी कायदा कानून के हिसाब से उनकी अंत्येष्टि किया हुआ था। तो ये था तुम्हारा पहला लेसन की प्री टास्क। तो मैं थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चन करूंगी कि दशरथ लॉस्ट हिज वाइफ, ही वाज टेरिबली डिस्टर्ब, व्हाट वुड मांझी हैव टोल्ड हिमसेल्फ दैट राइट। जबी दशरथ मांझी की पत्नी के अवसान हुआ तभी उन्होंने अपने आप को क्या निष्पत्ति दिया था। फर्स्ट ऑप्शन, क्रुएल गॉड टुक अवे माय लाइफ वाइफ, नाउ आई हैड गॉट, आई मस्ट डू धरना अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर प्रेसिंग देम टू बिल्ड ए गुड रोड from Atri to Wazirganj, I myself will start making a road through hills, whatever odds I have to face, I will unite the people of Atri and lead a procession to the authorities, our demand will be give us road, give us life. The option will be, I myself will start making a road through hills, whatever odds to have to face. उन्होंने अपने आप को ये प्रतिज्ञा दिया था कि मैं अपने हिसाब से इस रोड को, पहाड़ को तोड़ के मैं रास्ता बनाऊंगा, कुछ भी मेरे रास्ते में अड़चन आए लेकिन मैं मेरे रास्ता खुद बनाऊंगा। ये था दशरथ मांझी की संकल्प। अगेंस्ट द ऑड्स, ट्रैक्स ऑफ ताजनगर। फोर 25 years, residents of Taj Nagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. 25 साल से ताज नगर की रहवासियों, ताज नगर गाँव की जो रहवासियों थे अने जो गुड़गांव के नज़दीक आए थे, तो वो एक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए उनकी गाँव में एक
रेलवे स्टेशन बनाने के लिए खूब कोशिश किया था। When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. जब ये उनकी डिमांड पूरा नहीं हुआ तो ग्रामवासियों ये सोचा कि हम अपने हाथ से क्यों ना रेलवे स्टेशन बनाए। They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. अभी ये देखो बात कि कैसे कि वो लोग सभी विलेजर्स इकट्ठे मिलके ग्रामवासियों इकट्ठे मिलके 21 लाख फंड जमा किया अने वो खुद की हाथ से रेलवे स्टेशन बनाया। कोई सरकारी फंड नहीं आया था कि कोई कहीं से हेल्प नहीं मिला था, लेकिन ग्रामवासियों खुद इकट्ठे किया 21 लाख रुपया ने 21 लाख रुपया में उन्होंने उनके गांव में खुद रेलवे स्टेशन बनाया। मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज ऑफ फार्मर्स, अभी ये गांव के बारे में हम जानेंगे कि कैसे थे कि ताजनगर के रहवासियों जो थे सबसे ज़्यादा ग्रामवासियों जो थे वो सभी फार्मर्स थे, खेडू थे। बट सच वॉज द बर्निंग डिजायर टू हैव ए स्टेशन इन द विलेज, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। लेकिन ये जो तीव्र लागणी थी, तीव्र इच्छा थी कि उनके गांव में एक स्टेशन होना जरूरी है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सभी अपने जो हैसियत देख के उन्होंने फंड इकट्ठी किया, जमा राशि इकट्ठी किया, रैगिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 75,000 रुपीज। दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008, सेड रंजीत सिंह, ए फॉर्मर विलेज सरपंच। रैगिंग फ्रॉम द 1000 रुपीज टू 75,000 रुपीज, 1000 रुपया से बढ़ के वो रुपीज जो है 75,000 रुपीज हो गया था। दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन, आने वो ग्रामवासियों सभी स्टेशन के लिए पैसा इकट्ठी किया, एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, आने हम लोग वो कंस्ट्रक्शन जो बनाने का जनवरी 2008 में हमने शुरू किया, सेड रंजीत सिंह द फॉर्मर विलेज सरपंच। अभी गांव की जो सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे रंजीत सिंह, वो हमको बताया कि हमारे ग्रामवासियों ये पैसा इकट्ठी करके हम खुद रेल स्टेशन बनाने के लिए कोशिश की। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव, दिल्ली एंड रेवा। एक्चुअली वहाँ क्यों रेलवे स्टेशन की जरूरत थी, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इन द विलेज, अभी उसी गांव की, हु नीड टू गो टू गुड़गांव, जो लोग रोज अप डाउन करते थे गुड़गांव जाते थे, दिल्ली एंड रेवर भी जाते थे। देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेजेस, अने उसी गांव के जो विद्यार्थी बहन होते थे, विद्यार्थियों होते थे, वो लोग रोज कॉलेज जाते थे। टिल नाउ वी हैड टू आइदर गो टू हली मंडी और पाटली टू कैच ए ट्रेन, आने उसके लिए या तो विद्यार्थियों को जाना पड़ता था हली मंडी और पाटली, जो कि ट्रेन पकड़ने के लिए वो लोग इस दो गाँव में जाना पड़ता था। ताजनगर वी थर्ड वेन द रेलवे लाइन पास थ्रू द विलेज वी वुड हैव ए स्टेशन हियर, जब ही हमने ये सोचा कि अगर हमारी गांव होके रेलवे लाइन जा रही है तो हमारे गांव में एक स्टेशन क्यों नहीं बना देगी। बट दैट डिडंट हैपन, सो वी रेज द डिमांड इन 1982 एंड हैव बीन कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर इट। इसीलिए हम मीटिंग करके हमने 1982 में से ये कोशिश किया कि हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन कैसे बने, बट द रेलवेज टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट हैव फंड्स। लेकिन जो इसकी जिम्मेदारी लेता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे स्टेशन रेलवे वाले ने हमको बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट आवर ओन डेस्टिनी, अने लास्ट में हम हार गए, जो कि रेलवे वाले नहीं बनाया। बाद में हमने ये डिसीजन दिया, ये निष्पत्ति किया कि हम हमारे हिसाब से ये रेलवे स्टेशन बनाएंगे, या तो हम हमारे नसीब को हम तय करेंगे। सेड हुकुम चंद ए मेंबर ऑफ द कमेटी, आ बात किसने बोला कि हुकुम चंद जो कमेटी की सभ्य है उन्होंने बताया। अजय रिजल्ट द पंचायत पास्ट ए रिसोल्यूशन इन 2008, रिसोल्यूशन नहीं शब्द है, ठराव जिसको बोलते हैं रिसोल्यूशन, तो इसके
नतीजा क्या हुआ कि पंचायत ने 2008 में एक धारा पास किया saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. जबकि रेलवे वाले ने हमारे यहाँ कोई भी स्टेशन बनाने के लिए उनके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से हम यहाँ रेलवे स्टेशन बनाएंगे हमारे पैसे से. सुन, एन 11 मेंबर टीम वॉज फॉर्म एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स. अने 11 मेंबर टीम वॉज फॉर्म, अभी उसके लिए 11 सभ्यों की एक कमेटी बनाया गया एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स. अने ये जो 11 जन के सभ्य, ये लोग गांव में दादे घर में जाके पैसा कलेक्ट कर रहे थे. एंड 7 जनवरी 2010 एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री on which the railway did not have to spend a single rupee started operations. 7 जनवरी 2010 में इसकी परिणाम क्या हुआ कि they are reports the first railway station in the country. अभी ग्रामवासियों की असरकारक नीति के हिसाब से ये हमारी देश में पहला रेल स्टेशन बनी जो which the railway did not have to spend a single rupee started operations. जिसमें रेलवे ने एक भी पैसा ना डालते हुए ग्रामवासियों के द्वारा